दोस्तों आज हम आपको बालवच, दुधीवच यानी सफेदवच के बारे में बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, एक आयुर्वेदा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए एक बेहतरीन औषधि जो कि आपके और आपके बच्चों के दिमागी विकास के लिए बहुत ही फायदेमंद है। जी हाँ दोस्तों, जिन बच्चों की याददाश्त कमजोर होती है या जिनको पढ़ाई में मन नहीं लगता है, उन बच्चों के लिए बहुत ही फायदेमंद औषधि है। आज मैं आपको एक ऐसी औषधि के बारे में बताऊंगा जो कि बच्चों के दिमाग की बढ़ोतरी के लिए बहुत ही फायदेमंद है, बच्चों में इंटेलिजेंट बनाने के लिए, जीनियस बनाने के लिए यह औषधि बहुत ही अच्छी है। तो दोस्तों आज मैं आपको दुधी वचा के बारे में बताऊंगा जिसको सफ़ेद वच भी बोलते हैं। दोस्तों वचा मुख्य रूप से चार तरह की होती है, एक खुरासनी वचा, एक दुधी वचा, एक महामारी वचा, एक घोड़ा वच। घोड़ा वच ज़्यादातर मिलती है जो कि बहुत ही सस्ती और नॉर्मली 200 रुपये किलो के आसपास बाजार में मिल जाती है। इसके अलावा जो दुधी वच्चा है या जो सफ़ेद वच्चा है वो उसकी कीमत 3,000 के आसपास मिलती है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही बेहतरीन औषधि है। दोस्तों जहाँ घोड़ा वच खाने में कटु होती है, उसके वनस्पत जो दुधी वच्चा होती है वो खाने में सिंगोड़े जैसा स्वाद होता है, यानी उसका कोई स्वाद नहीं लगता, लेकिन जब आप खा लेते हो उसके बाद उसका काम चालू होता है। यानी अगर आप खा के जैसे ही ख़त्म करते हो उसके बाद आपके मुँह में झंझनाहट, तरतराहट या कुछ बोल लीजिए, इस तरह का आपको फीलिंग होता है। तो दोस्तों जो वच होती है वो अकर कर्रा कुलिंजन उसी कुल का एक पौधा होता है। तो दोस्तों इसमें बहुत जोर की ज़बरदस्त झंझनाहट होती है, और अगर जैसे मैंने अभी खा लिया है उसके बाद मेरे मुंह में इतनी लार बन रही है कि बोला ही नहीं जा रहा, बार बार मुंह में इतनी लार आ जाती है। तो दोस्तों इसके प्रयोग करने से मुंह में बहुत ज़्यादा लार बनती है, और आपको पता है लार तो पाचन क्रिया के लिए भी बहुत फायदेमंद है। तो दोस्तों इसके प्रयोग करने से पाचन क्रिया संबंधी कोई भी रोग हो वो भी ठीक होता है। इसके अलावा दिमागी विकास के लिए बहुत ही फायदेमंद औषधि है। तो चलिए आज मैं इस बेहतरीन औषधि के बारे में आपको बताता हूँ जिसका नाम है दुधी वचा या सफेद वच। तो दोस्तों ये देखने में जो कीड़ा लकड़ी होती है उस तरह की लगती है और कुछ कुछ उसी तरह की दिखती है, तो आपको मैं एक एक तड़के दिखाऊंगा। ये गौर से देखिए, इसको मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको, तो आपको समझ में आएगा ये किस तरह की है। ये देखिए, ये इस तरह की होता है, जैसे लग रहा है जैसे कोई कीड़ा हो, है ना, ये कीड़ा जड़ी की तरह ही होती है और बहुत शानदार औषधि है। इसको खाओगे तो आपको स्वाद इस बिल्कुल सिंगोड़े जैसा लगेगा, एकदम सिंगोड़ा जैसा होता है उस तरह का स्वाद लगेगा, लेकिन ये औषधि ज़बरदस्त है और बहुत ही शानदार औषधि है जिसका प्रयोग करके आप अपने बच्चों के दिमाग के विकास को बढ़ा सकते हैं, अपने बच्चों को इंटेलिजेंट बना सकते हैं। बताते हैं आपको दुधी वच्चा से होने वाले फायदों के बारे में। दोस्तों आपके सामने सफेद वच जिसे दुधी वच बाल वच भी कहा जाता है, ये औषधि मानसिक व शारीरिक विकास के लिए बहुत ही फायदेमंद मानी गई है। दोस्तों आमतौर पर यह औषधि देखने को नहीं मिलती, नेट व पंसारी के यहाँ भी आपको इस तरह की वच देखने को मिलती है जिसे घोड़ा वच कहा जाता है, आमतौर पर इसी वच का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों दुधी वच या बाल वच विशेष औषधि है जो कि बहुत ही फायदेमंद है, बच्चों के मानसिक विकास के लिए बहुत ही फायदेमंद औषधि है। ये औषधि खून को साफ करने वाली होती है, इसके अलावा पाचन तंत्र को मजबूत करती है। दोस्तों इस औषधि के सेवन करने से कफ व वात रोगों में बहुत अच्छा फायदा मिलता है, इसके अलावा फालिज यानी लकवा रोग में भी ये बहुत अच्छा फायदा पहुंचाती है। दोस्तों गले की आवाज़ को साफ करती है, हकलाहट व तुतलाहट में भी ये बहुत अच्छा काम करती है। दोस्तों पुट्ठों व आमाशय को मजबूत बनाती है, दिल को मजबूत बनाती है। इसके अलावा दोस्तों ये औषधि याददाश्त बढ़ाने के लिए बहुत ही फायदेमंद है, पाचन शक्ति को मजबूत बनाती है और आयु को बढ़ाने वाली औषधि होती है। इसके प्रयोग करने से शरीर मजबूत व शक्तिशाली बनता है, वीर्य को बढ़ाने वाली औषधि होती है। दोस्तों इसके सेवन से भूत प्रेत बाधा यानी बच्चों में होने वाली ग्रह बाधा को भी छुटकारा मिलता है, इसके अलावा पेट के कीड़ों में भी ये बहुत अच्छा काम करती है और ये औषधि जरूर फायदा पहुँचाती है। दोस्तों नियमित 1 महीने तक इस औषधि का प्रयोग करने से आपके दिमाग की शक्ति बढ़ती है यानी आपकी बुद्धि बढ़ती है। दोस्तों इसका प्रयोग करने के लिए विशेष विधान बताया गया है कि इसका प्रयोग कम मात्रा में किया जाना चाहिए, गर्म प्रकृति वाले व्यक्तियों को इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। दोस्तों खासतौर से बच्चों के लिए ये औषधि बहुत फायदेमंद है, जिन बच्चों का दिमाग कम चलता है या जिनकी याददाश्त कम होती है उनके लिए ये बहुत फायदेमंद औषधि होती है। दोस्तों इसका सेवन करने की विधि भी बहुत आसान है, इसको 1 से 2 रत्ती बच्चों में इस्तेमाल किया जाना चाहिए, 5 साल से कम बच्चों में इस्तेमाल करने से पहले चिकित्सक की सलाह अवश्य ले लेनी चाहिए। दोस्तों इसके प्रयोग करने के बाद आपके ऐसा प्रतीत होता है जैसे आपके कान से धुआं निकल रहा हो, यानी बहुत ही तीक्ष्ण औषधि है। दोस्तों इस औषधि का प्रयोग करने से बहुत अच्छे फायदे मिलते हैं। दोस्तों बच्चों के लिए खासतौर से बताया गया है कि चंद्र ग्रहण व सूर्य ग्रहण के समय बच्चों को इसका इस्तेमाल कराने से बहुत ज़बरदस्त फायदा होता है और बच्चों के दिमागी विकास में बहुत ही सहायता मिलती है।
फायदा जरूर उठाई। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करिए जरूर बताएगा, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। जी हाँ दोस्तों, हम इसी तरह के आयुर्वेदिक नुस्खे आपके लिए लेके आते रहते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। एके आयुर्वेदा आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता है। जय हिंद।